अस्सलाम वालेकुम, मैं सबिया हुसैन शेख, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। अंधेरी एमआईडीसी पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। 7,09,48,000 के हीरे और सोने के दागिने चुराने वाले एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो दिन में समाज सेवा करता है और रात में चोरी। एमआईडीसी पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 22 अप्रैल को पुलिस स्टेशन में राजकुमार तिलक राज लुथरा नामक व्यापारी ने बताया, एमआईडीसी अंधेरी में उनकी एक कंपनी है जो सोने और हीरे दागिने बनाती है। कंपनी की छत का सीमेंट पत्रा काटकर लगभग 7,09,00,000 के हीरे और सोने की चोरी हो गई है। एमआईडीसी पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी का केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू की। 27 अप्रैल को पुलिस ने विपुल आनंद चमारिया उम्र 35 साल को गिरफ्तार किया। उसे सख्ती से पूछताछ की गई तो ये राज सामने आया कि अष्टविनायक सोसाइटी रोड नंबर 7 एमआईडीसी अंधेरी ईस्ट में श्री एकता फाउंडेशन नाम की एक संस्था बनाई है जिसका वो फाउंडर है और उसने और उसके 6 और साथियों ने जो इस संस्था के पदाधिकारी और मेंबर है सबसे मिलकर ये चोरी की है। आरोपी विपुल ने बताया, दिन में वो बीएमसी के लोगों के साथ मिलकर जरूरतमंदों को राशन और अनाज बांटते हैं और आसपास के हीरे और सोने चांदी की कंपनी की रेकी करते, उसके बाद वहां चोरी करते। इसी तरह आरोपी विपुल ने राजकुमार लुथरा की कंपनी में स्टाफ होल्डर का काम करने वाले दीमन छोटालाल चौहान और उसी कंपनी में वॉचमैन मुन्ना प्रसाद के साथ मिलकर 6 अप्रैल की रात वॉचमैन की मदद से कंपनी के टेरेस पे जाकर उसकी छत का पत्रा तोड़कर अंदर घुसे और कंपनी में रखी हुई तिजोरी को ग्राइंडर से काटकर उसमें रखे हीरे सोने के दागिने चुरा लिए और फरार हो गए। फिलहाल सभी 7 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं और उनके पास के पुलिस ने चोरी के लिए इस्तेमाल की गई एक्टिवा जिसकी कीमत 30,000, एक ग्राइंडर कीमत 2,000, हीरा कीमत 3,42,83,000, हीरे जड़े सोने के दागिने कीमत 1,31,98,000, सोना मिश्रित मिट्टी कीमत 55,00,000, कुल 5,30,12,000 माल बरामद किया है। इन सभी 7 आरोपी जिनके नाम विपुल चमारिया एकता फाउंडेशन 35 साल, दीमन चौहान स्टॉक होल्डर 32 साल, मुन्ना प्रसाद कंपनी का वॉचमैन 59 साल, लक्ष्मण उर्फ मच्छी मेंबर एकता फाउंडेशन 35 साल, शंकर कुमार मेंबर एकता फाउंडेशन 42 साल, राजेश शैलू मेंबर एकता फाउंडेशन 29 साल और विकास चनवादी मेंबर एकता फाउंडेशन 24 साल। इन सभी पर आईपीसी की धारा 454, 457, 380, 34 लगाई गई है। इस पूरे मामले को एमआईडीसी पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई जगदीश शिंदे के मार्गदर्शन में क्राइम पीआई दीपक सुर्वे, एपीआई संतोष जाधव और उनकी टीम ने सुलझाया और आरोपियों को पकड़ने में कामयाब हुए। तो तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।